अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर दूंगा। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा। अगर आप इनको कर लेते हैं तो तकरीबन आपके 70 से लेकर 80 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 85। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं आपको बोल रहा। ठीक है, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं इस गैस पेपर को तो आप यकीनन इतने नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, इनको लाजमी प्रिपेयर आपने करना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, अगर वो भी ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं ठीक है तो उनके भी इतने नंबर आ सकते हैं। बस आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करना है, हम जो है पेयरिंग स्कीम को लेकर चलेंगे। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं। ठीक है, और कौन सा अगर हम चैप्टर छोड़ते हैं तो हमें हमारे जो है शॉर्ट कम्प्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लॉन्ग की तरफ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये वीडियो है वो। ठीक है, ये वीडियो जाकर आप देखें मेरे चैनल पर, और यहाँ पर देखें अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने बताए हुए हैं, ये वीडियो जाकर आप वॉच कर लें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर अगर आप छोड़ भी दें तो फिर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो चलें चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर वाइज मैंने जो है बनाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आ जाएगा। तो ये जो है जी शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर से, और देखिए ये चैप्टर नंबर वन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है ये शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख लें। ठीक है, चैप्टर नंबर वन क्या है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, इनको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने जो है स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सारे आपने जो है ये प्रिपेयर करने हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यूज़ का होता है पेपर में हमारा, और क्वेश्चन नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, पहले चैप्टर से 3 आने हैं, दूसरे चैप्टर से 2 आने हैं, तीसरे चैप्टर से 4 होने हैं, और 9वें चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 8। अगर हम चैप्टर नंबर 1 करें, चैप्टर नंबर 2 करें और चैप्टर नंबर 3 करें तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 स्किप भी कर दें तो फिर भी जो है हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं 9वें चैप्टर से तो फिर आपको 9वां चैप्टर भी करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर लें। ठीक है, इस अगर ये कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आप क्लियर हो जाएगा। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी बता देता हूं। इसके अलावा मेरे चैनल पर पेयरिंग स्कीम भी अपलोड है जिसमें मैंने बताया हुआ है कंप्लीटली कि कौन सा चैप्टर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो सकता है, कौन कौन से अगर आप जो है चैप्टर स्किप कर देते हैं तो आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा और आपका शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो जाकर आप देख लें। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे, तो ये देख लें। ठीक है, 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, इसके यहाँ पर देखें 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी सारी की स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, यहाँ पर देखें ये पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है 10 से लेकर 18 तक फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लें। इस बार चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, 7 क्वेश्चन तक ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसके बाद की यहाँ तक 15 आई थिंक इसके हैं, और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट फिर ले लें। इसी तरह से यहाँ पर मैं आस्ता आस्ता आपको दिखाता जाता हूँ। ठीक है, और इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ या वीडियो पॉज कर लें जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 आ चुका है, आस्ता आस्ता मैं स्क्रोल डाउन करता जाता हूँ, उनकी स्क्रीनशॉट लेते जाएँ आप। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक भी आपने स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है ये सारा गेस पेपर। ठीक है, इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको मिलेगी। ये आखिरी चैप्टर यानी 11 चैप्टर, इसके भी 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन शॉट आप ले लें। ठीक है, और ये 10 चैप्टर और ये 9 चैप्टर। ठीक है, ये वाला
स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी मेरी, वो जिसमें मैंने पेयरिंग स्कीम बताई हुई है, और बताया हुआ कि अगर आप चार या तीन चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो फिर भी आपके शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो वीडियो जाकर लाजमी वॉच कर लेना। इसके अलावा आप बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ करने हैं। 17 एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल, और अगर आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, हर चैप्टर के एंड पर दिए होते हैं, ठीक है, तो अगर वो कर लेते हैं तकरीबन 14 से 15 एमसीक्यू उसमें आ जाते हैं, और जो बाकी दो या तीन शॉर्ट एमसीक्यूज़ होते हैं वो आते हैं जी इन शॉर्ट क्वेश्चन में से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन से। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छी तरह से प्रिपेयर, इन्हीं में से वो एमसीक्यूज़ भी बना लेता है, ठीक है। तकरीबन 13 से 14 तो जो है कंफर्म है कि वो एक्सरसाइज से आते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो इन्हीं में से बना लेता है। आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तो समझ लिया आपके एमसीक्यूज़ भी हो गए। इसके अलावा मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पर चले जाएँ, वहाँ पर मैं अलहदा से वीडियो बना दूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, बस सारे एमसीक्यूज़ बता दूँगा आपको, एक्सरसाइज वाले भी और दूसरे भी, और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, नीचे कमेंट कर दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है, तो काइंडली एक सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। और काइंडली ना जो है साथ बेल आइकन होती है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।